एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई एम सिमरन सहानी. तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स. हम सारे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन के डिसीजन के लिए. ओके, तो एज यू गाइज नो दैट कल एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट कर रहा था एंड दे टुक सम डिसीजंस. ओके, उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे बात करके डिसीजन निकालने की कोशिश करी थी. जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया दैट ए बी सी ऑप्शन निकल के आए हैं. कुछ जो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम कराओ, कुछ कह रहे हैं कि एग्जाम डेढ़ घंटे का हो जाए, साथ ही के साथ एमसीक्यू हो जाए एंड समर सपोर्टिंग द कैंसिलेशन. ठीक है, तो आफ्टर द मीटिंग व्हाट हैपेंड, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल सर, उन्होंने 3 to 4 ट्वीट्स करे थे एंड उसके थ्रू उन्होंने बताया था दैट आगे क्या हो सकता है. तो पहले हम वो देखते हैं व्हाट ही ट्वीटेड, और उन्होंने एक वीडियो के थ्रू भी हम सब स्टूडेंट्स को गाइड करा था दैट क्या हो सकता है आगे. तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ. ओके, तो ये रमेश सर ने ट्वीट करी थी. देखो यहाँ फोटोज़ भी हैं जो कल की लाइव मीटिंग हुई थी एंड जिसमें जो कुछ भी बातें हुई होंगी वो तो हमें नहीं पता है, बट ऑब्वियसली जो कुछ सोचा जा रहा है आगे बोर्ड एग्जाम्स के कंडक्शन को लेके वो हम यहाँ पे देखते हैं. सर ने लिखा, आई थैंक ऑल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम. हम लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो उन्होंने सबको थैंक करा दैट सबने मीटिंग को ज्वाइन करा. आफ्टर दैट व्हाट ही सेड वॉज, As envisioned by the Honorable Prime Minister, the meeting was extremely fruitful as we received immensely valuable suggestions. तो उन्होंने क्या कहा कि काफ़ी सारे suggestions मिले, जैसे कि हमें पता है EBC मिला और भी बहुत suggestions. जो ministers हैं they are very high level ministers guys, उन्होंने काफ़ी कुछ बातों पर discussion करा कल की meeting के अंदर. उसके बाद क्या हुआ है, जो सर हैं रमेश पोखरियाल सर, उन्होंने जितनी भी states हैं उनके ministers को request करा है कि वो अपने सजेशंस 25 मई तक उनको दे. आज क्या, आज 24 मई है, कल 25 मई को जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो अपने जो सजेशंस हैं वो क्या चाहते हैं रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स वो जो है सबमिट करें. जैसे हमें पता है दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर, उन्होंने क्या बोला कि कैंसिल हो जाए, वैसे ही बाकी सारे स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो 25 मई तक अपना जो सजेशन है उसको फिल कर दें या बता दें. ठीक है, तो अभी कल 25 मई को जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास वो बातें आएंगी कि जो क्या एजुकेशन जो बाकी स्टेट्स वाले हैं क्या सोच रहे हैं. नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू अराइव एट एन इन्फॉर्म्ड कोलैबोरेटिव डिसीजन रिगार्डिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम. क्या लिखा उन्होंने, दैट ही इज़ अश्योरिंग अस दैट जल्दी से जल्दी एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो एक कोलैबोरेट करके, जैसे सारे स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह कोलैबोरेट करके एक ऐसा डिसीजन लेंगे हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, दैट विल रिमूव अनसर्टिनिटी. जो अनसर्टिनिटी हमारे दिमाग में चल रही है उसको रिमूव कर देगी. जैसे आप स्टूडेंट, मे बींग योर टीचर, मे बींग योर सिस्टर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम बच्चे, हम सब बहुत परेशान हैं ना कि होंगे एग्जाम नहीं होंगे. तो वो कह रहे हैं दैट प्रक्रिया चल रही है, एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, भाई बहुत बड़ा डिसीजन है ये, तो वो मीटिंग्स के थ्रू ही लिया जाएगा, काफ़ी डिस्कशन के बाद ही इतने बड़े डिसीजन को लिया जाएगा. ठीक है, तो सर ने क्या बोला है दैट हम लोग अनसर्टेनिटी ख़त्म करने के लिए, एक बेस्ट डिसीजन लेने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सर ने ये ट्वीट में लिखा. ठीक है, तो और फाइनल डिसीजन जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑन हो चुका है. यहाँ लास्ट पढ़ सकते हो आप, Remove the uncertainty among students and parents' mind by informing them our final decision at the earliest. जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं कि कोई final decision मिल जाए जो हम चाहते हैं, भाई अब जल्दी से पता चल जाए board exam को क्या होने वाला है. I want to reiterate that both students and teachers' safety and security and future are supremely important to us. Next, उन्होंने क्या बात बोली है, that जितने भी teachers हैं और students हैं, भाई बोर्ड एग्जाम देने कौन जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे साथ ही के साथ टीचर वहाँ पे होने हैं, तो बोला गया है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा. तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हम बच्चों की और जो टीचर्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस डिसीजन को लिया जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला, आई ऑल्सो थैंक, उन्होंने थैंक करा अपने बाकी कलीग्स को फॉर अटेंडिंग द मीटिंग. और सर ने एक पूरी वीडियो भी अपलोड करी है, अगर आप उसमें सुनोगे, मैं वीडियो का लिंक देती हूँ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सर ने वीडियो में पूरी 8-12 मिनट्स की वो वीडियो है, सर ने पहले थैंक यू करा सारे टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को फॉर कोपिंग अप विद द एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, एंड देन ही टोल्ड अस दैट जो डिसीजन आएगा हमें एक तो 1 जून तक का वेट करें, और साथ ही के साथ जो डिसीजन आएगा वो बार बार, आपने उस वीडियो को सुना, सर ने 3-4 बार उस लाइन को रिपीट करा है और उस पर जोर दिया है कि बच्चों की सेफ्टी और जो हेल्थ है उसको, जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है, तो ये
थ्रू द CBSE ऑफिस, आप कह सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें ये बताया है। अब कल 25 तारीख को जो स्टेट मिनिस्टर्स है वो अपना सजेशन देंगे। अब भाई 4-5 दिन लगेंगे, उनके डिसीजंस को देखा जाएगा और मीटिंग हो शायद कोई, उसके बाद शायद हमें 1 जून तक जो डिसीजन है हमारा टुवर्ड्स द बोर्ड एग्जाम मिल जाए। बिकॉज और वैसे भी CBSE ने तो हमें पहले ही फाइनल डेट दे दी थी कि हम लोग 1 जून तक का इंतज़ार करें। अब 1 जून का इंतज़ार तो हमें करना है। अब बात आती है जो अगर हमने आज जो न्यूज़ आ रही है बहुत सारी, कई न्यूज़ ऐसी है ओके, तो चलो पहले CBSE पे चलते हैं अपने वापस। तो कई न्यूज़ आ रही हैं कि मिड जुलाई से आपके पेपर हो सकते हैं, कई आ रही है कि 2 भाग में पेपर होंगे, कुछ के अलग होंगे कुछ अलग होंगे, कई आ रही है कि आई थिंक सो कम देर का एग्जाम होगा, MCQ होगा। तो दीज आर जस्ट द न्यूज़ फ्रॉम द सोर्सेज, ठीक है, काफ़ी बातें आ रही हैं फ्रॉम द सोर्सेज बट अभी कुछ कन्फर्म्ड नहीं है, ठीक है ऑल द स्टूडेंट्स। तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, ये जो न्यूज़ जितनी भी आ रही है इनमें CBSE के थ्रू कोई कन्फर्मेशन नहीं है। CBSE के थ्रू कन्फर्मेशन मिलने की जो बेस्ट चांस है हमारे पास क्या है कि वो हमें मिलेगा 1 जून को मिलेगा, ठीक है ओके। तो ये जो न्यूज़ आ रही है ना ये हमारे को सोर्सेज के थ्रू पता चल रही है, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, तो अभी ये कन्फर्म्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, 1 जून तक का वेट करना है। और ये जो न्यूज़ है अलग अलग की जुलाई में हो सकते हैं और ये सब सोच विचार जो मीटिंग्स के अंदर लिए गए होंगे उसके थ्रू कुछ पता चल रहा होगा। तो वी एज अ स्टूडेंट वॉट वी कैन डू एट दिस मोमेंट, तो एक बार आप सर की वीडियो सुनना वॉट ही सेड, उन्होंने उसमें कहा था बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्या डिसीजन है कि वो बच्चों को नोटबुक्स दे देंगे या अंडरशीट प्रश्न पेपर दे देंगे और वो फिल करके 5 दिन बाद सबमिट कर देंगे। अलग अलग तरीके हर कोई सोच रहा है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और हम क्या चाहते हैं कि अभी के लिए तो भाई कैंसिल हो जाए, बिकॉज इस रिस्की मोमेंट में एग्जाम कंडक्ट करवाना इज नॉट अ थिंग, ठीक है। तो इसके लिए वी एज अ स्टूडेंट, और मैं अगर तुम्हें खुद बताऊँ तो मैं तुम्हारी टीचर बहन होने से पहले मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी नहीं चाहती कि इस समय पे कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, इवन आगे भी, अभी तक का तो कुछ सीन नहीं लग रहा है। आप लोगों को मेनली क्या करना है, मैं तुम्हें ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ वेट टिल 1 जून, ठीक है। और जब 1 जून, बस कितने दिन बचे, 4-5 दिन बचे हैं, और इस बीच एज अ स्टूडेंट आपको ये करना है कि थोड़ा थोड़ा तुम अपना रिविजन करते रहो। सबसे पहली चीज़ टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत आप अपना रिविजन करते रहो, बिकॉज जो आप अभी पढ़े हो वो आपको बाद में भी काम आएगा, ठीक है। तो जो न्यूज़ है जो अभी तक कन्फर्म्ड कुछ नहीं हुआ है हमारे को, जो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू न्यूज़ आ रही हैं उनको भी कहीं से पता चला होगा तो वो हमें बता रहे हैं, और आगे जो सॉलिड डिसीजन है भाई वो CBSE देगा, तो वो 1 जून को हमें दे सकता है। अब मान लो हमें 1 जून को भी कोई न्यूज़ नहीं पता चलती है, तो अगर 1 जून को कोई डिसीजन नहीं आया तो हमारे को कुछ ना कुछ तो बता दिया जाएगा दैट अब अगली कौन सी डेट का हमें वेट करना है, ठीक है। तो ऑल माई स्टूडेंट्स, मुझे कल काफ़ी बच्चों ने कुछ फ़ोटोज़ भी भेजी थी दैट दीदी हमारे पास ये आया है क्या ये सही है, आई थिंक सो, कि कुछ डेट शीट भी भेजी थी। तो अभी कुछ CBSE के थ्रू कुछ नहीं आया है कन्फर्म, सो ऑल द स्टूडेंट जब भी कोई कन्फर्म न्यूज़ आएगी तो आपको डायरेक्ट TV स्क्रीन से भी पता चल जाएगी, और 1 जून तक का तो डेफिनेटली हमें वेट करना है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू वेट, सब्र करो, जैसे मैंने कल कहा था हमें पेशेंस से ही चलना पड़ेगा, और 1 जून का वेट करते हैं। अब कैंसिलेशन को टोटली आई सपोर्ट, और सब लोग कैंसिलेशन को ही समय सपोर्ट करते हैं। 70-80% बच्चे क्लास 12 के ऐसे ही हैं तो नहीं चाहते बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हो, और होने भी नहीं चाहिए इस रिस्की सिचुएशन के अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट, ठीक है। तो वी कैन वेट, और साथ ही साथ रिवीजन करते रहो, थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहो, एक तो तुम्हारे वो आगे भी काम आ जाएगा अगर एग्जाम कैंसिल हो गए, जो सबसे ज़्यादा चांसेस वही हैं, एग्जाम को कैंसिल करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर एग्जाम कैंसिल हो भी गए तो तुमने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो कभी फर्स्ट ईयर में काम आ जाएगा, कभी किसी एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई से टच बनाए रखो अपना, रिवीजन करते रहो। आई एम पेसिंग द वो मैं पेश कर देती हूँ तुम्हारे लिए रिवीजन बैचेस की प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने MCQ क्वेश्चन कराए थे, बिकॉज MCQ को रिवाइज करते रहना। और साथ ही के साथ जो को एक वीडियो डाल रही हूँ मैं, वो जो रमेश पोखरियाल सर ने जो कल लाइव आके बताया था, जो उन्होंने हमें एक मीटिंग के थ्रू उन्होंने एक पूरी लाइव कॉन्फ्रेंस करी थी, शायद ट्विटर पे डली हुई है वीडियो, उसका मैं लिंक डालूँ, उसको एक बार तुम देखो, ठीक है, अच्छे से देखो उस वीडियो को, 12 मिनट की वो वीडियो है, उस वीडियो को देखो और वेट करो, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो ऑल माई स्टूडेंट्स, और कोई अपडेट नहीं है अभी, और 25 तारीख कल देखते हैं, क्या पता कल स्टेट्स वाले स्टेट मिनिस्टर जो भी अपना सजेशन देते हैं, हो सकता है वो भी हमें पता चल जाए। तो ऑल वी कैन डू इज़ वेट। तो अब मैं जा रही हूँ, और जितनी भी न्यूज़ आई थी, जितनी भी न्यूज़ अलग अलग आपने सुबह से पढ़ी हैं, वो सोर्सेज के थ्रू पता चली है, वो CBSE से अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।